खबर उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई, जिनमें दो गुट होने की बात सामने आ रही है। दरअसल आज नतीजों का ऐलान हुआ है उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की उस परीक्षा का, जिसमें 69,000 सहायक भर्ती मामले से जुड़ा हुआ ये नतीजा रहा, जिसे कल आम लोग देख सकते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट में कल जिस तरीके से शिक्षा मित्रों की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, उसी को लेकर के शिक्षा मित्रों में दो फाड़ हो गया है। क्या है पूरा मामला और ऐसा क्यों कह रहे हैं बाकी के शिक्षा मित्र, आरोप क्या लगा रहे हैं, हमारे सहयोगी चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ फोनलाइन के जरिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। चंद्रमणि, कल तक तो सब कुछ ठीक था, शिक्षा मित्र एक साथ थे, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई, सब उसके साथ में थे, आज अचानक दो फाड़ होकर के एक दूसरे गुट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं शिक्षा मित्र। जी बिल्कुल, जिस तरह से शिक्षा मित्र जो उस वक्त खूब नजर आ रही है उनके संगठन में, इसके पीछे कई वजह हैं, चाहे 69,000 भर्ती को लेकर बात कर ले या उसके पीछे भी उसके पीछे की जो अन्य वजह हैं और भी सामने आ रही है। जैसे कि कुछ शिक्षा मित्रों का आरोप है कि जो याचिका डाली गई है वो संगठन के नाम पर डाली गई है, तो संगठन के नजरिए से ना अगर कोई व्यक्तिगत तौर से सुप्रीम कोर्ट जाता तो उन्हें ऐतराज नहीं था, पर जब संगठन के तौर पर जा रहे हैं तो उन्हें भय है कि ये संगठन के तौर पर सरकार का विरोध कर रहे हैं शिक्षा मित्र, और जो शिक्षा मित्र टीटी नहीं पास है और जो शिक्षा मित्र इस समय उस श्रेणी में नहीं आ रहे हैं कि उनको सरकारी अध्यापक या सहायक अध्यापक के तौर पे नौकरी मिल जाए, तो वो इस समय विरोध कर रहे हैं कि अगर वो सरकार के साथ जो सरकार चाह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट ना जाए और जो भर्ती प्रक्रिया है वो हो जाने दे, तो उसको लेकर आपस में विरोध जता रहे हैं। और जब संगठन की तरफ से याचिका दायर की गई है तो उसको लेकर शिक्षा मित्रों में काफी विरोध है और वो भरकर सामने आ रहा है। मगर शिक्षा मित्रों को अगर एतराज है कि सरकार के पक्ष को ही हाईकोर्ट ने माना और फिर उसके बाद में ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लगाई गई, तो फिर क्या महज उस संगठन पर चंदा वसूलने या राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को अपने पूरा करने के लिए या पार्टी का सरकार का विरोध करने की वजह से आपस में ये दोनों गुट एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सीधा तौर से शिक्षा मित्रों का आरोप है कि जो शिक्षा मित्रों के नेता हैं वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारणवश इस तरह के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, चंदा इकट्ठा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और शिक्षा कुछ शिक्षा मित्रों का कहना है कि जब हाई कोर्ट की डबल बेंच में उनके समर्थन में ऑर्डर नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट पर भी उनका पक्ष मजबूत नहीं नजर आ रहा। पर वही दूसरी तरफ से जो शिक्षा मित्र कोर्ट गए हैं उनका कहना है कि हम कोर्ट से जीत कर आएंगे, तो ये उनका आपसी मतभेद है। फिलहाल ये स्थिति जरूर नजर आ रही है कि शिक्षा मित्र आपस में बटे नजर आ रहे हैं, और कुछ शिक्षा मित्रों का कहना है कि हमें सरकार पर भरोसा है, सरकार जो उनके लिए करेगी अच्छा करेगी, तो वहीं पर कुछ शिक्षा मित्र जो हैं वो कोर्ट के निर्णय के खिलाफ और ये हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो ये तमाम स्थिति बनी हुई है। अब इस पर आगे किस तरह से शिक्षा मित्र सामंजस्य बैठाते हैं, क्या होता है, और जैसे अपडेट मिलेगा वैसे दर्शकों को बताया जाएगा। शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए चंद्रमणि शुक्ला। तो दरअसल आपको बताएं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच के फैसले के बाद में सरकार ने इसे एक हफ्ते के भीतर भीतर इस प्रक्रिया को पूरी करने का ऐलान किया था। कल शिक्षा मित्रों की तरफ से संगठन की तरफ से एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने के लिए डाली गई, और उससे दो दिन पहले यूपी की सरकार की तरफ से कैवियट भी दाखिल की गई थी। जो संगठन के नाम से रिट डाली जा रही है वह सिर्फ आम शिक्षा मित्रों को गुमराह करने की सोची समझी साजिश है, जिससे हमारे भविष्य में कठिनाइयां उत्पन्न हो सके। हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारे साथ है, जो भी सरकार का निर्णय होगा वो हमारे शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए सर्वोत्तम एवं संजीवनी साबित होगा। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि शिक्षा मित्र कतई सरकार का विरोध नहीं कर रहा है, नहीं विरोध करेगा, क्योंकि हम पूरी तरीके से सरकार के ऊपर आश्रित हैं, हम सरकार के साथ थे, सरकार के साथ हैं और सरकार के का सम्मान करेंगे।